मध्य प्रदेश विधानसभा बुधवार को भी हंगामेदार रही। इस दौरान सदन में निजी विमान किराए को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसको लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि पूर्व की सरकार ने 4.5 साल में 43 करोड़ रुपए निजी विमान के किराए में खर्च कर दिए। अगर वो चाहते तो इतनी रकम से 2 हेलीकॉप्टर और 1 प्लेन खरीदा जा सकता था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शोएब खान ने विधायक कुणाल चौधरी से खास बातचीत की। विमान किराए को लेकर कल खासा हंगामा सदन में देखने को मिला था और ध्यान आकर्षण लगा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी, उनसे पूरे मामले की यहाँ पर बातचीत करते हैं। कल ध्यान आकर्षण लगा था और जिस तरह से काफी हंगामा भी हुआ था। देखिए, मूल भाव से हमने जो ध्यान आकर्षण लगाया था कि इस मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी का बाइक का किस प्रकार से लूट इस प्रदेश के अंदर हुई है। लगभग पिछले 4.5 साल में 43 करोड़ रुपए सिर्फ प्लेन की कंपनियों को किराए के रूप में दे दिए गए, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के पास स्टेट प्लेन था, दो दो हेलीकॉप्टर थे, जिनकी हालत यह थी कि जो कई सालों से उड़ाए नहीं गए, और उनको अगर बेच के इतने किराए में तो ये दो हेलीकॉप्टर एक नया प्लेन आ जाता। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई, जो शिवराज जी अपने आप को पांव पांव वाले भैया कहते थे, वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में इतने मशगूल हो गए कि उसमें उड़ने का काम कर रहे हैं लगातार जनता की गाड़ी कमाई को। अब जब विधानसभा में हम पूछते हैं तो कहते हैं कि मैं ओले और पाले के लिए गया था। तो अगर ओले और पाले के लिए गए थे तो जो कैबिनेट ने इनका पिछली बार नोट किया था कि 100 करोड़ का जेट प्लेन खरीदेंगे, क्या उस 100 करोड़ का जेट प्लेन मध्य प्रदेश की जो 80% एयर स्ट्रिप पे नहीं उतर सकता, ऐसा प्लेन खरीदने की वो बात कर रहे थे? और जो प्लेन एयर स्ट्रिप पे नहीं उतर सकता तो वो किस खेत में ओले पाले के लिए उतरता, ये सवाल हमारा उसके अंदर था। हमारा सवाल था कि आपने किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई। मध्य प्रदेश की सरकार के पास बीच क्राफ्ट है B200, जिसका एवरेज अगर आप किराए से लेते हो तो लगभग 1 लाख रुपए घंटे के लगभग आता है, और जब किराए के प्लेन मंगाए तो या तो उसके संपर्क बनाए थे, इनने लगभग मंगाए 2 से 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए घंटे के प्लेन, लग्जरियस प्लेन, और ऐसे प्लेन जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हुए उद्योगपति। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, उन्होंने भी निजी अपनी जो सुविधाएं थी उस विमानों के जरिए, कई लोग जिन लोगों ने चाहे यहाँ पे यहाँ की सुषमा स्वराज जी हो, कई लोगों ये एक आपत्ति, पर जिस प्रकार से जनता का कमलनाथ जी ने पिछले 6 महीने में 45 लाख रुपए का प्लेन उपयोग करा, इनको कहते हैं कि ये प्लेन वाले हैं, और शिवराज जी ने मतलब 43 करोड़ लगभग 8-10 करोड़ रुपए साल का जो उपयोग करने का काम, और कमलनाथ जी का 1 करोड़ रुपए। स्पष्ट रूप से जनता के काम नहीं, जनता को कैसे लूट सका जाए इस योजना के तहत ये चले, जनता की गाड़ी कमाई लेके कैसे सिर्फ प्रचार प्रसार करा जाए, कैसे झूठ बोला जाए, कैसे जनता के काम। जब ही समझ में आया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कैसे पेंशन को 600 रुपए कर गए और ये 300 रुपए रखे थे, कैसे नकली बर्तन भांडे देके ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में उड़ते थे, बेटियों की शादी के 25,000 देते थे, कमलनाथ जी ने लाके उसको 51,000 कर दिया। इन्हीं की इसी नीतियों के कारण, इन्हीं के इस पाप के कारण गरीब किसान के ऊपर कर्जा चढ़ा, और जिसको कमलनाथ जी ने माफ करने का काम। विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी के जो कई ऐसे नेता थे उनका साफ तौर से कहना था कि जो प्रदेश के विकास है उसको लेकर ये विमान यूज किए गए थे, जो दौरे थे शिवराज सिंह चौहान, विकास को लेकर अगर विकास करते किस क्षेत्र में विकास करा, कर्जे में, बलात्कार में, कानून व्यवस्था खराब में, इस चीज में विकास करा, मध्य प्रदेश के नौजवान को बेरोजगार में, किस चीज के विकास की बात कर रहे हैं? ना तो इन्होंने विकास करा, इन्होंने मध्य प्रदेश का विनाश करा है, विकास नहीं करा। किस विकास की बात करते हैं? जेट प्लेन खरीद रहे थे, जेट प्लेन मध्य प्रदेश की 90% एयर स्ट्रिप पे उतर नहीं सकता, क्या इंदौर और जबलपुर के लिए प्लेन ले रहे थे उस जेट प्लेन को जो सिर्फ वहां पे दो जगह उतर सकता है? ये सिर्फ कैसे मौज मस्ती करे, कैसे बड़े बड़े नेताओं को, संघ के लोगों को घुमाने का काम करे, किसी को तिरुपति, किसी को दिल्ली, किसी को मुंबई, इसके लिए प्लेन ले रहे थे, ना कि मध्य प्रदेश की जनता। प्लेन का उपयोग क्यों होता है कि भैया कोई आपदा आ गई, कुछ चीज हो गई, तो जहां पे समय जाने में लगे तो प्लेन से मुख्यमंत्री जाके अपना काम करके आ जाए, और जिस प्लेन की को आप बुलाते हो वो तो एयर स्ट्रिपों पे उतरता ही नहीं है। आपने प्लेन का उपयोग कहां किया, क्या किया, सब जनता के सामने कमलनाथ जी बैठ के काम कर रहे हैं, कर्जा माफ कर रहे हैं। शिवराज जी कल सदन में भी कह रहे थे कि मेरे काम करने का तरीका अलग है। हाँ, वही तो पूछना चाह रहा था मैं कि शिवराज जी का आपका तरीका क्या है, कि जो जेट प्लेन खरीदने की बात करी वो किस खेत में उतरता,
जो मध्य प्रदेश की ना सीधी एयर स्ट्रिप पे उतरता, ना वहाँ पे आपका रीवा एयर स्ट्रिप पे उतरता, ना वहाँ पे आपका नीमच में उतरता, ना उज्जैन एयर स्ट्रिप पे उतरता। उतरता कहाँ वो, ना उमरिया में उतरता, जिस जगह जाने की जरूरत थी वो उतरता मुंबई, दिल्ली, कैलकटा, अहमदाबाद, गुजरात, इन बड़े बड़े शहरों के एयर स्ट्रिप पर उतरता अगर आपकी नीयत वो थी। सवाल इस बात का नहीं है घूमने का, सवाल इस बात का है कि अगर आपको जाना था तो मध्य प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज क्यों नहीं खरीदे उन पुरानों को बेच के, और क्यों मध्य प्रदेश सरकार ने किराए के लिए, और किराए के लिए लिए भी तो आपको, आप तो कहते थे भट्टियों में गर्मी लगती है उसके अंदर, और देखा तो प्लेन आपने दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए के प्लेन किराए पे लिए घंटे के। किस प्रकार से जो अडानी और अंबानी जैसे लोग शोक रखते हैं वो शोक आपने करे, आप गरीब किसान के नहीं। चार साल, साढ़े चार साल में 43 करोड़ रुपए जिस तरह से किराए में कहीं ना कहीं प्रदेश की जो पूर्व सरकार थी उनने गवा दी, तो अब इसको लेकर आप लोग क्या किस तरह से जांच कर रहे हैं? इसीलिए ध्यान आकर्षण लाइए, जांच नहीं है तो स्पष्ट है, मतलब तो सवाल के जवाब में आया है, जो सवाल पूछा था कि कितना किराया दिया, ये सवाल के जवाब में आया, प्लेन का नाम आया, सारी बड़ी बड़ी चीजें आई, क्या इन्होंने करा, ये स्पष्ट आ चुका है। इसमें स्पष्ट है कि जनता को पिछली सरकार में इनने लूटा, इसने बड़े बड़े प्लेन के मामले में उसके अंदर जो कमीशन खोरी भी करी कि जो प्लेन 2.5 लाख रुपए घंटे का मिलता था उसे 3 लाख रुपए घंटे में लिया, अगर मैं नॉर्मल एक उसके रूप में अगर मैं बुलाऊं तो वो 2.5 लाख रुपए मिलेगा, इनने 3 लाख रुपए में लिया। इसने उसमें मोटी कमीशन भी खाई, चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और अपनी लग्जीरियस लाइफ को जीने के लिए ने उसका उपयोग करा जनता के बीच। हाँ बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, जिनके साफ तौर से कहना है कि निजी विमान किराए को लेकर कहने की जो पूर्व सरकार है उसने जिस तरह से 42 करोड़ रुपए जो जनता के थे उसको विकास में नहर लगाते हुए किराए में गवाए हैं, और इसी को लेकर कहने का ध्यान आकर्षण कल सदन में लगाया गया था। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शुएब खान, N24 भोपाल।